बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ रहे थे डिजीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस में होता क्या है? इंक्रीज इन सीएसएफ वॉल्यूम रिजल्ट्स फ्रॉम इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। यानी कि इसमें हाइड्रोसिफेलस में सीएसएफ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, ये फ्लूइड किस जगह पे होता है? ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं, फोर वेंट्रिकल्स होते हैं, टू लेटरल वेंट्रिकल, अ थर्ड वेंट्रिकल एंड अ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो वेंट्रिकल्स हैं, इस जगह पे एक तो सीएसएफ की प्रोडक्शन होती है और इस जगह पे आपको सीएसएफ मिलेगा। उसके अलावा जो सब रेक्नॉइड स्पेस होती है, उस जगह पे आपको सीएसएफ मिलेगा। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सब रेक्नॉइड स्पेस अराउंड द ब्रेन एंड अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इस जगह पे आपको सीएसएफ मिलेगा। अगर सीएसएफ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो उस सिचुएशन को हम हाइड्रोसेफलस का नाम देते हैं। किस वजह से हो सकता है? रिजल्ट फ्रॉम इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। कंटिन्यूसली सीएसएफ प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है तो इसकी कंटिन्यूसली किसी जगह से एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है। ठीक है, यानी कि इसको एब्जॉर्ब करके वहां से जो सब रेक्नॉइड स्पेस है उधर से ब्लड में दोबारा लेके आया जा रहा होता है। रेयरली ड्यू टू एक्सेसिव सेक्रीशन। एक रीजन इसकी यह है कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो किसी वजह से इम्पेयर्ड हो जाए, इसकी एब्जॉर्प्शन ना हो। ठीक है, दूसरी जो रीजन है वो इस वजह से हो सकती है, रेयरली ड्यू टू एक्सेसिव सेक्रीशन। बाज़ का ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन रेयर है कि इसकी जो सीएसएफ की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, उसके अलावा काजिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन सीएसएफ सर्कुलेशन। उसके अलावा जो कॉज है वो ये है कि सीएसएफ की जो सर्कुलेशन है, ठीक है, उसमें किसी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल तक अगर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, थर्ड वेंट्रिकल से लेके फोर्थ वेंट्रिकल, सेरेब्रल एक्विडक्ट जिसको बोलते हैं, उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, उसके अलावा सेरेब्रल फोर्थ वेंट्रिकल से जो तीन ओपनिंग्स सब रेटिनॉइड स्पेस में ओपन हो रही हैं, टू लश्का, दो ओपनिंग जिनका नाम लश्का है, ठीक है, और एक का नाम मेजेंडी है। ठीक है, लश्का जो होती है वो लेटरल साइड पे होती है और मेजेंडी मिडल में होती है। अगर इन इस जगह पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या इन में से किसी भी एक जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उस कंडीशन में जो सीएसएफ है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, लीडिंग टू डायलेटेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन। जब ऐसा होगा तो उससे क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है, वेंट्रिकल्स डायलेट कर जाएंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन विल डायलेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस की टाइप्स कौन कौन सी हैं? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, ऑब्स्ट्रक्शन इज आउटसाइड द वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर सिस्टम इज कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टम से बाहर किसी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। फॉर एग्जांपल ग्रैनुलर विलाए जो है, जिस जगह पे सीएसएफ रीअब्सॉर्ब होके ब्लड में शामिल हो रहा होता है, ठीक है, जिस जगह से सीएसएफ को बाहर निकाला जा रहा होता है, दोबारा ब्लड में शामिल किया जा रहा होता है, उस जगह पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो किसी वजह से, उस जगह का जो साइनसिस हैं वो नैरो हो जाएं, तो उस कंडीशन में जो हाइड्रोसेफेलस होगा वो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होगा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सब रेक्नाइड स्पेस, कम्युनिकेटिंग इसको क्यों बोल रहे हैं, सब रेक्नाइड स्पेस आउटसाइड, सब रेक्नाइड स्पेस और वेंट्रिकल्स के दरमियान में कम्युनिकेशन इंटैक्ट है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन किस एरिया में आई है, जिस एरिया से जो सी एस एफ है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन सब रेक्नॉइड स्पेस और वेंट्रिकल्स की जिसमें इंटैक्ट हो उसको कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन इंटैक्ट ना हो उसको नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। हाइड्रोसेफेलस रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द वेंट्रिकल इज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। यानी कि जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर हो, ठीक है, उसमें ये होगा कि दो वेंट्रिकल्स या तीन वेंट्रिकल्स डायलेट हो जाएंगे, और एक
एक या दो वेंट्रिकल्स बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी ये विद इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम होगी, यानी कि बाहर इसका सब रेक्नाइट स्पेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसलिए इसको नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस का नाम दिया जाता है। नॉर्मल प्रेशर ऑफ हाइड्रोसेफलस, हाइड्रोसेफलस विद नॉर्मल प्रेशर इन ओल्ड एज, डिमेंशिया एंड एटैक्सिया, ठीक है। इन तीन कंडीशन में जो हाइड्रोसेफलस है वो एक नॉर्मल प्रेशर के साथ हो सकती है, यानी कि नॉर्मली जितना प्रेशर होता है ना हाइड्रोसेफलस का, उसी प्रेशर के साथ उनमें हाइड्रोसेफलस डेवलप हो सकता है, उनके वेंट्रिकल्स डायलेट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल में क्या होगा, नो हाइड्रोसेफलस, ठीक है। दीज आर द लेटरल वेंट्रिकल्स, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। जिस वक्त ये डायलेट हो जाएंगे, रास्ते में किसी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं, ये वाली जो ट्यूब नीचे जा रही है, ठीक है। अगर इस जगह पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है या जिस जगह पे ये टू वेंट्रिकल्स ड्रेन करके थर्ड वेंट्रिकल तक पहुंच रहे हैं, थर्ड उस रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस बोलेंगे, और ये वाले जो वेंट्रिकल्स हैं ये डायलेट कर जाएंगे। इसमें देखें, इसका साइज देखें और इसका साइज देखें, लेटरल वेंट्रिकल्स डायलेट कर चुके हैं। इसमें जो गायराए हैं, जो सल्कस हैं, ठीक है, वो देखें अच्छी खासी प्रोमिनेंट हैं, लेकिन इसमें नैरो सल्काए हैं, ठीक है, एंड फ्लैटेंड गायराए देखें। इसमें जो बल वगैरह है ना, इसमें जाके कम हो गए, वो जो सल्कस वगैरह बनी हुई है इसमें नहीं है, इस ब्रेन में नहीं है, क्यों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोसेफलस, ठीक है। ये देखें, ये वेंट्रिकल्स इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड वेंट्रिकल्स सिटी ब्रेन, ठीक है। ये देखें, नॉर्मली ये इतने बड़े नहीं होते, नॉर्मली ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के इस जगह पे होगा और इस जगह पे होगा, वो नॉर्मल वेंट्रिकल्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इनके अंदर जो सीएसएफ फ्लूइड है वो इकट्ठा हो गया, सीएसएफ फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से ये डायलेट कर गए, डायलेशन की वजह से सिटी पे ये इस तरह के नजर आ रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द वेंट्रिकल, ठीक है, ये नॉन कम्युनिकेटिंग है। ये देखिए, ये वाले जो होते हैं इसको लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। इस जगह पे थर्ड वेंट्रिकल होता है, ये ब्रेन के डिफरेंट पोर्शन के वो कट लिए जाते हैं, तो इस जगह पे वो नजर नहीं आ रहा, और यहाँ से एक डक नीचे की तरफ जा रही होती है टुवर्ड फोरामिन मैग्नम, फोरामिन मैग्नम की तरफ फोर्थ वेंट्रिकल होता है, फोर्थ वेंट्रिकल तक वो जाकर ड्रेन होगी, फोर्थ वेंट्रिकल से आगे जो उसकी कम्युनिकेशन है वो सबरेक्नॉइड स्पेस के साथ होती है। डायलेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम बाय द इंटरमिटेंट राइज इन द सीएसएफ, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइड्रोसेफलस, हाइड्रोसेफलस इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, एक्यूट ऑनसेट, इरिटेबिलिटी, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस एंड वॉमिटिंग। अगर अक्यूट ऑनसेट हो तो उसकी वजह से जो बेबी होगा वो इरिटेबल होगा, ठीक है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस लेवल होगा, उसका जो कॉन्शियस लेवल होगा वो इम्पेयर होगा, नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, बच्चा जो होगा वो बोंगियाँ मारेगा, उसके अलावा वॉमिटिंग हो सकती है। ग्रेजुअल ऑनसेट, ऐसा ऐसा जो हाइड्रोसेफलस डिवेल्प होता है, मेंटल रिटार्डेशन काज करवा सकता है एंड फेलियर टू थ्राइव, बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है, बच्चा ग्रो नहीं करेगा प्रॉपरली और उसका जो मेंटल मेंटल लेवल होगा वो रिटार्डेड होगा, यानी कि नॉर्मल नहीं होगा, इडियट जिसको हम बोलते हैं, इडियट लुक होगी, इडियट इडियट वाली हरकतें करेगा। एक्यूट ऑनसेट इन एडल्ट्स, हेडिक होगा, वॉमिटिंग होगा एंड डिटेरियरेशन ऑफ कॉन्शियस लेवल, हेडिक, वॉमिटिंग और उसका कॉन्शियस लेवल होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, डिटेरियरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हाइड्रोसेफलस इन एडल्ट्स, एक्यूट ऑनसेट डिमेंशिया काज करवा सकता है, ठीक है, डिमेंशिया होता है फॉरगेटफुलनेस, चीज़ों को बार बार भूल जाना, गेट अबनॉर्मेलिटीज एंड एटैक्सिया, ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिम्टम्स है, इसमें जो वॉकिंग गेट हैं वो एबनॉर्मल होंगे, वॉकिंग गेट नॉर्मल नहीं रहेंगे, ठीक है। सिटी स्कैन, डायलेटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, इसमें वेंट्रिकल्स जो होंगे वो डायलेट कर जाएंगे सिटी स्कैन के अंदर, अगर हम लेटर वेंट्रिकल्स या थर्ड वेंट्रिकल को देखेंगे तो वो डायलेटेड होंगे। एक्सरे स्कल, लार्ज स्कल साइज इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, एक्सरे स्कल अगर हम करवाएंगे तो उसमें लार्ज स्कल साइज होगा, जो स्कल का साइज होगा वो नॉर्मल से अच्छा खासा लार्ज होगा,
in case of infants and children, because little ventricle will dilate and it will create pressure. Because of that, it will increase the size of the skull. ठीक है. Acute deterioration, ventricular drainage, lumbar puncture in case of communicating hydrocephalus. Management में हमने क्या करना है कि जिस वक्त acutely deteriorate हो रहा है patient, acutely उसमें problem आ रही है, तो उस condition में क्या करना है कि ventricles को हमने drain करना है. Ventricles को drain करने के अलावा और क्या काम कर सकते हैं? Lumbar puncture in case of communicating hydrocephalus. हम लंबर पंक्चर कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में, क्योंकि इसमें क्या होता है, वो सबरेक्नॉइड स्पेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है. तो लंबर पंक्चर के थ्रू हम थोड़ा बहुत सीएसएफ आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े ही मोहतात स्पीड के साथ उसको बाहर निकालते हैं, ताकि एक तो ब्रेन की हर्निएशन ना हो, क्योंकि अगर अचानक से सीएसएफ ज्यादा बाहर निकाला जाए तो ब्रेन हर्निएट हो जाएगा, यानी कि नीचे जो फोरामिन मैग्नम है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ रहा है, उस जगह पे आके अचानक से वो टकराएगा, जिसकी वजह से पेशेंट की जो अचानक डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ द ब्रेन स्टेम. ठीक है, तो एक बड़े ही तरीके से बड़े ही मुहतात अंदाजे के मुताबिक उसको लंबर पंक्चर किया जाएगा. ठीक है, उसके अलावा उसके जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है उसको डायरेक्टली इस तरीके से ड्रेन किया जा सकता है. ग्रेजुअल डिटोरेशन, आहिस्ता आहिस्ता जो डिटोरेट हो रहा होता है उसमें वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट जो होती है वो डाली जाती है. वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट यानी कि वेंट्रिकल्स, जो लेटरल वेंट्रिकल्स, ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, उस जगह से लेके जो एब्डोमिनल कैविटी के इर्द गिर्द पेरिटोनियल कैविटी होती है, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी तक एक शंट डाली जाती है, जो कि सीएसएफ फ्लूइड को वेंट्रिकल से पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर लेके आएगी. क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट. हम एक शंट क्रिएट करते हैं जिससे जो ज्यादा सीएसएफ की प्रोडक्शन है या जो ज्यादा सीएसएफ होता है वो किस जगह पे आना स्टार्ट हो जाएगा? पेरिटोनियल के अंदर, और जो वेंट्रिकल्स होंगे उनके अंदर जो प्रेशर होगा वो नॉर्मल हो जाएगा. ये देखें, ये वेंट्रिकुलर सिस्टम है, इस जगह से हम शंट डालेंगे. ठीक है, ये शंट करते करते किस जगह तक लेके आएंगे? पेरिटोनियल कैविटी तक. और इस जगह से जो ज्यादा प्रेशर होगा सीएसएफ का, जो ज्यादा सीएसएफ प्रोडक्शन हो रही है, वो किस जगह तक आ जाएगी? पेरिटोनियल कैविटी तक. पेरिटोनियल कैविटी से इजीली रीअब्सॉर्ब हो जाएगी ब्लड के अंदर. ये सर्जरी के थ्रू होगा? जी जी सही है. आज का लेक्चर